गृहमंत्री अमित शाह ने न्यूज 18 से बातचीत में बंगाल में 200 सीट जीतने के साथ बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया। 2017 में नक्सलबाड़ी में शुरुआत की आपने, वहां का सफर और आज आप कहां पे पहुंचे हैं? देखिए, 2017 में नक्सलबाड़ी से मैंने सदस्यता अभियान की शुरुआत की थी और हमने लक्ष्य रखा था कि 90% से ज्यादा बूथों पर भारतीय जनता पार्टी की बूथ कमेटी बने। उस वक्त मेरे सिर पर ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी थी, मैं पार्टी का अध्यक्ष था और आज मुझे बहुत आनंद हो रहा है कि मेरी पार्टी यहाँ पर एक मजबूत पार्टी बनकर खड़ी है। मोदी जी के नेतृत्व में पूरा बंगाल आज परिवर्तन करने के लिए आमादा है और परिवर्तन करेगा भी। और 17 से 21 का ये जो सफर है, जिसमें बीच में 19 का भी एक पड़ाव आता है और अब 21 का पड़ाव, मुझे लगता है कि हमारे कार्यकर्ताओं ने परिश्रम की पराकाष्ठा की है। मोदी जी की लोकप्रियता बंगाल में कभी मैंने कोई लीडर की जितनी लोकप्रियता न हो इतनी लोकप्रियता देखी है और बंगाल की जनता को जिस प्रकार से सप्रेस किया गया, इनके साथ जिस तरह से अन्याय किया गया और बंगाल के बहुत बड़े तबके के मन में एक फीलिंग खड़ी हो गई कि हम सेकंड ग्रेड सिटीजन है इस राज्य के अंदर, उनको ये सभी चीजों का जवाब भारतीय जनता पार्टी जो मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है उसमें दिखता है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि 200 सीटों के साथ यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अगली सरकार बनाने जा रही है। उधर गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि बंगाल का एक बड़ा तबका तुष्टीकरण की राजनीति से नाराज है। दुर्गा विसर्जन पर सियासत पर भी अमित शाह ने ममता बनर्जी को घेरा। बंगाल की जीत 2017 उत्तर प्रदेश से बड़ी जीत होगी। 2017 यूपी में आपने कास्ट कोएलिशन बनाया, एक सोशल कोएलिशन बनाया था। यहां पर आज सबऑल्टर्न शिफ्ट दिख रहा है बंगाल में, जिसमें मटुआ समाज के लोग, राजवंशी, संथालीज, कुर्मीज, गोरखा सब एस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, तो क्या ये चुनाव एस्पिरेशन का है? निश्चित रूप से सभी को लगता है कि हमारे साथ जो अन्याय हुआ है, अन्याय से मुक्ति हमें भाजपा ही दिला सकती है, सबके मन में आशा है। माने किसानों को लगता है कि भाई मुझे हर साल 6000 रुपया मिलना चाहिए, नरेंद्र मोदी जी देश भर के किसानों को भेज रहे, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, कौन रोक कर बैठा है? तो उसको लगता है कि ममता दीदी रोक कर बैठी है। हर गरीब को है कि भाई मेरे परिवार में कोई अगर अस्पताल में जाना पड़ता है तो मोदी जी 5 लाख तक का सारा खर्चा उठा रहे, बंगाल के गरीब को क्यों नहीं मिल रहा है, कौन रोक रहा है? तो उसका जवाब उसको लगता है दीदी रोक रही है। तो इस सारे लोगों की जो एक आशा है वो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के साथ बंधी हुई है और मैं मानता हूं कि बंगाल की जनताओं की आशा की पूर्ति की जिम्मेदारी भी भारतीय जनता पार्टी की है। हमें यहाँ अच्छा परफॉर्म भी करना पड़ेगा और हम करेंगे भी, मुझे विश्वास है। परंतु यहाँ पर एक बहुत बड़ा तबका ऐसा भी है जो तुष्टीकरण से भी नाराज है कि भाई मुझे दुर्गा विसर्जन करना है तो हाईकोर्ट में क्यों जाना पड़े, मेरी स्कूल में सरस्वती पूजा क्यों ना हो, मैं क्यों बंगाली मीडियम में नहीं पढ़ सकता, ये सारे सवाल इनके मन में है और उनको लगता है कहीं ना कहीं हमें इग्नोर किया जा रहा है वोट बैंक की पॉलिटिक्स के कारण। और वो सारे लोग वोट बैंक की पॉलिटिक्स से त्राही त्राही है, सारे लोग चुनावी और राजनीतिक हिंसा से भी परेशान है, सारे लोग घुसपैठ से परेशान है और बहुत बड़ा तबका जो CAA से नागरिकता प्राप्त करने वाला है उसको भी लगता है कि हमारी नागरिकता के आड़े रोड़ा कौन है। तो उसमें भी जवाब स्पष्ट रूप से आता है कि तुष्टीकरण के कारण बंगाल सरकार और बंगाल की मुख्यमंत्री हमारी नागरिकता का विरोध करेंगे। सारी चीजों को कुल मिलाकर एक आशाबंदी है। तो इस दृष्टि से आपकी बात सही है कि अन्याय के खिलाफ उनको रक्षा कौन दे सकता है, अन्याय से कौन बचा सकता है, ये आशा नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी से बनी है। अमित शाह जी, आपने अपने भाषण में बार बार ये दोहराया कि ममता बनर्जी नंदीग्राम से हार रही है, क्या सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा, एंटी इनकम्बेंसी, कट मनी या पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन? पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन, तुष्टीकरण से बंगाल की जनता जबरदस्त नाराज है, घुसपैठ से जबरदस्त खफा है
और सीए का तुष्टिकरण के कारण आप अप्लाई नहीं करती हो, इससे इसका जो लाभार्थी वर्ग है वो भी बहुत गुस्से में। ये तीनों चीजें एक मुस्त होकर एक फीलिंग बनती है कि वी आर सेकंड ग्रेड सिटीजन इन बंगाल। और मुझे लगता है कि पूरे बंगाल में ये है कि भाई हम हमारी क्या प्रायोरिटी नहीं है, हमारा संविधान तो नहीं कहता है। और हर जगह आप जाकर देखिए, ना रोड के ठिकाने हैं, ना लाइट है, ना घरों में पीने का पानी पहुंचा है, ना शिक्षा की व्यवस्था पूरी चरमराई हुई है, हेल्थ का पूरा खाका बिखर गया है, विकास की दृष्टि से भी कुछ नहीं हुआ है। और ममता जी को जो मैंडेट मिला था ये 3 दशक के कम्युनिस्टों के विफल शासन के अगेंस्ट मैंडेट मिला था कि आप इसको सुधारिए। गृहमंत्री अमित शाह ने न्यूज 18 से बातचीत में अर्धसैनिक बलों के मामले में ममता के आरोपों पर पलटवार किया। अमित शाह ने कहा कि चुनाव में अर्धसैनिक बल ईसी के तहत काम करते हैं। जय श्री राम के नारे पर हो रही राजनीति पर भी अमित शाह ने ममता बनर्जी पर हमला किया। ममता बनर्जी ये बोलती हैं कि होम मिनिस्टर अमित शाह ने बंगाल में एक पर्सनल उनका बैटल है, तो शायद पूरे जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो आपके इन्फ्लुएंस में काम कर रही हैं। देखिए, इनको इतनी बेसिक चीज भी मालूम नहीं है, जब चुनाव होता है तो पैरामिलिट्री फोर्सेस होम डिपार्टमेंट के अंतर्गत काम नहीं करते, चुनाव आयोग के अंतर्गत काम करते हैं। और मुझे तो कई बार तरस आता है, इतनी बेसिक चीज भी उनको मालूम नहीं। कोई पैरामिलिट्री फोर्स का जवान अभी गृह मंत्रालय का ऑर्डर नहीं लेता है। जो पुलिस ऑब्जर्वर रखे हैं, चीफ इलेक्शन ऑफिसर है और इलेक्शन कमीशन है, इनके कमांड एंड कंट्रोल में वो लोग काम कर रहे हैं। ना हम उनकी डिप्लॉयमेंट की डिजाइन तय कर सकते हैं, ना हम उनके काम करने का तरीका तय कर सकते हैं। प्रस्तापित सर्कुलर है जो 2011 में ममता जी के काम में आया था कम्युनिस्टों के सामने, एज इट इज वही सर्कुलर आज ममता जी इसका विरोध कर रही। जय श्री राम जो स्लोगन है हमने काफी सुना, आज चुनाव में आपने बार बार नारे लगाए, तो क्या ये स्लोगन अब स्लोगन ऑफ रेजिस्टेंस बनता जा रहा है? देखिए, मैं मानता हूं जय श्री राम का नारा बंगाल में अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद करने का नारा है, चाहे वो अन्याय गरीब किसान को हुआ हो, चाहे वो अन्याय अम्फान के पीड़ितों को हुआ हो, बुलबुल के पीड़ितों को हुआ हो, या कोई मछुआरे को हुआ हो, या सीए रोकने के कारण किसी को नागरिकता न मिली उसको हुआ है, या घुसपैठियों के कारण किसी की रोजगारी छीनी उसको हुआ हो, इस सारी चीजों का एक प्रतीकात्मक नारा बना है जय श्री राम। इसको आप रिलीजियस नारा मत समझिए, किसी को दुर्गा पूजा नहीं हो रही है इससे हर्ट हुआ है, किसी को सरस्वती पूजा स्कूल में बंद कराने के सर्कुलर हुए इससे हर्ट हुआ है। ये सारे लोगों ने एक नारा बनाया है जय श्री राम, और जनता ने बनाया है, भारतीय जनता पार्टी का नारा नहीं है। आपने पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस की बात की थी जब मैंने आपका इंटरव्यू किया था कुछ साल पहले। ममता बनर्जी अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाती हैं और बोलती हैं कि उन्होंने कन्याश्री, स्वास्थ्य श्री और बहुत सारी स्कीम्स लाई हैं। तृणमूल कांग्रेस का ये कहना है कि जो विमेन वोट बैंक है वो इससे बेनिफिट हुआ है और वो अब साइलेंट वोटर हैं उनके फेवर में। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के जीतने का बहुत बड़ा कारण कोई होगा तो बंगाल की महिला मतदाता है। जब जब हिंसा होती है सबसे पहला सहन करने वाला जो वर्ग होता है वो समाज की महिलाएं होती है। जब जब गरीबी बढ़ती है सबसे ज्यादा समाज की महिलाओं को सहन करना पड़ता है, और जब जब अव्यवस्था होती है तब भी समाज की महिलाओं को सहन करना पड़ता है। 33% बंगाल में फ्लोराइड वाला पानी पिया जाता है, 33% बंगाल में, जबकि गंगा जमुना का पूरा पानी यहाँ पर आता है, 60 फुट नीचे पानी है। गांव में नल से पानी देने की व्यवस्था नहीं हुई इतने सालों से, क्या बात कर रही है महिलाओं। टॉयलेट मोदी जी ने भेजा है, उनको घर की छत मोदी जी ने भेजी है,
और शुद्ध पीने का पानी भी अब मोदी जी पी रहे। महिलाओं की बातें करने से कुछ नहीं होता, गैस का सिलेंडर भी महिलाओं को मोदी जी ने भेजा है। और ये महिलाएं जानती है अच्छे तरीके से कि आज धुआं नहीं है मेरी झोंपड़ी में तो उसका कारण नरेंद्र मोदी है, आज मेरे घर में उजाला है तो उसका कारण नरेंद्र मोदी है, आज मेरे घर में टॉयलेट है मुझे शर्म से बाहर खुले में शौच क्रिया के लिए नहीं जाना पड़ता है तो उसका कारण इस शर्म से मुझे नरेंद्र मोदी ने बचाया है। और तो उसको ये भी मालूम है कि कल यहाँ भाजपा की सरकार होगी तो मेरे परिवार की स्वास्थ्य की भी चिंता होगी। तो महिला मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री ने महिलाओं की चिंता करी होती तो शायद ये दिन ना आता।